कहते हैं जीवन सबसे बड़ी पाठशाला है, लेकिन हम आपको आज एक ऐसे स्कूल में ले चलते हैं जहां जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। बाल भारती पब्लिक स्कूल ब्रज विहार गाजियाबाद देश के उन गिने चुने स्कूलों में से एक है जहां शिक्षा का मतलब सिर्फ पुस्तकें नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स के मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास को मानदंड बनाकर यहां शिक्षा दी जाती है। और यह संभव हो पाया है उन मूल्यों और स्वप्नों की बदौलत जो इस स्कूल की स्थापना करते वक्त इसके फाउंडर्स ने देखे थे। हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो हमारे बच्चों को अपने भारतीयता से और हमारे संस्कारों से और जो हमारी संस्कृति है उससे जोड़े रखे, और साथ ही साथ जो लेटेस्ट टेक्निकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उनको भी हम लोग एक्सेप्ट करते हुए हम अपने बच्चों को एक ग्लोबल सिटीजन बनाना चाहते हैं। बाल भारती पब्लिक स्कूल के शिक्षा का दर्शन है, सकारात्मक विचारों का स्वागत करो चाहे उनका स्रोत जो भी। यही कारण है कि इस स्कूल के शिक्षण पद्धति छात्र के बौद्धिक विकास तक ही सीमित नहीं है। बल्कि हर बच्चे में छुपी प्रतिभा और क्षमताओं को सामने लाने और निखारने की भी भरपूर कोशिश की जाती है। हम अपने बच्चों को अभी आज की तारीख में भी क्लासिकल डांस सिखाते हैं, क्लासिकल म्यूजिक सिखाते हैं, उनको देशभक्ति के गीत सिखाते हैं, और हमारे एनुअल डे प्रोग्राम की अगर आपको थोड़ी सी झलकियाँ मैं दिखाऊँ सीडी पर, तो आपको लगेगा कि हमारा जो एनुअल डे प्रोग्राम जो बच्चों को एक जो पेरेंट्स को एक मैसेज देता है कि हम किस दिशा में बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो वो आपको बताएगा कि हम अपने बच्चों में कितना चरित्र के विकास पर ध्यान देते हैं, उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, और उनको एक ह्यूमन बीइंग बनाने पर हमारा फोकस रहता है। बच्चा अगर 5% नंबर कम भी लिया है, लेकिन एक वो अच्छा इंसान अगर बन के निकलता है तो एक सफल इंसान कभी भी बन सकता है, और वो अगर अपने आप सफल हो जाएगा जिंदगी में, ये हमारा ये है। की सबसे बड़ी खासियत है हर बच्चे पर उसके व्यक्तित्व के अनुसार ध्यान देना। इसके लिए काउंसलिंग का सहारा लिया जाता है, जहां बच्चों की खूबियों और सीमाओं को देखते हुए उसके ओवरऑल विकास की गारंटी की जाती है। इस बात से कौन इनकार करेगा कि आज मीडिया ने जीवन पर बहुत गहरा असर डाला है। टीनेजर्स का कच्चा दिमाग इससे बहुत ही जल्दी प्रभावित होता है। ऐसे में आज ज्यादा से ज्यादा वैसे प्रोग्राम की जरूरत है जो बच्चों के मन और मस्तिष्क को पॉजिटिव डायरेक्शन दे सके। सही गलत के बीच का फर्क, सच झूठ की पहचान, मीडिया इसमें बच्चों की खूब मदद कर सकता है। अगर मीडिया इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए जिसमें टीनेजर्स की, एडोलेसेंट्स की प्रॉब्लम्स को दिखाया जाए, उसका सलूशन उनको दिया जाए, तो प्रोबेबली जो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं वो पैदा नहीं होंगे, और अगर पैदा हो गए हैं तो वो दूर हो जाएंगे। मीडिया को समाज का चौथा स्तंभ कहा गया है। बच्चों के लिए भी यह परिवार, स्कूल और समाज के बाद सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। तो दोस्तों, यही वजह है कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाने के बारे में सोचा जो टीन एजर्स की भावनाओं को एक्सप्रेस करता हो। फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इस प्रोग्राम के सूत्रधार के रूप में टीन एजर्स को ही लें, और इस तरह एंकर्स की तलाश हमें आप तक ले आई।